बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में सियासत भी अब गर्म होती हुई नजर आ रही है। अब तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग बीजेपी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेटस। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ और राबड़ी देवी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होता है। सीबीआई के द्वारा ये चार्जशीट दाखिल किया जाता है और अब तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की है। पूरे बीजेपी के तमाम नेताओं पर जिस तरीके से आरोप लग रहा था कि बीजेपी के इशारों पर ही ईडी सीबीआई का खेल चल रहा है, सीबीआई ने ये काम किया है, तो अब देखिए विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ ललन सिंह पर, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर साफ साफ आरोप लगाए हैं और ये तक उन्होंने कह दिया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हाईजैक करना चाहते हैं, हाईजैक आरजेडी को करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को जेल भिजवाना चाहते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो लालू प्रसाद यादव को भी जेल उन्होंने ही भिजवाया था। विजय कुमार सिन्हा से हमने बातचीत की है फोन कॉल पर, क्या कुछ उनका कहना है सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे फोन कॉल पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। विजय कुमार सिन्हा जी, क्या लगता है तेजस्वी यादव के लिए जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट में, अब बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बीजेपी ने ही फंसाया है, कैसे देखते हैं विजय कुमार सिन्हा जी? अब देखिए, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए कि उनके पिताजी को किसने फंसाया जी, श्रीमान लालू प्रसाद यादव को किसने फंसाया जी, कांग्रेस की सरकार थी, जदयू के पिटिशनर थे, सारा खेल अपने कर्म और अपने पाप का लोग खुद भोगते हैं और बहाना ढूंढते हैं बचने का। जनता जानती है, जनता मालिक है, सब समझती है, जो भ्रष्टाचार किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। संवैधानिक संस्था अपनी काम ईमानदारी से करती है। नहीं, ललन सिंह भी अब कहने लगे हैं कि बीजेपी ने ही इस तरीके का पूरा षड्यंत्र रचा है। आरजेडी जेडीयू के कई बड़े नेता हैं जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि बीजेपी उनको फंसा देगी। ललन बाबू ही तो उनके पिता को जेल भेजे थे और ललन बाबू इनको भी जेल भेज के पूरी पार्टी को हाईजैक करने के चक्कर में है जी। सब जानता है कि ललन बाबू क्या चीज है जी। सारे लीडर को पस्त करके वो खुद लीडर बनना चाह रहे हैं जी। दुर्भाग्य है कि जनता ही नहीं स्वीकार रही है उनको। तो क्या लगता है जेडीयू ने ही सारा सबूत इकट्ठा करके सीबीआई को दिया है क्या? जेडीयू का ही तो सारा दिया हुआ चीज है, ये जेडीयू के ही रीजन में ये सारा चीज निकला है जी। इनकी सरकार गई थी जी, कहाँ से सबूत आ रहा था जी। आज लोग बहाना बना रहे हैं जी। आज इतनी भी हिम्मत नहीं है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे जी। अरे जो गलत किया है, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो जी, गलत है तो गलत है, संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय अपनी कार्रवाई करेगा जी। सही रहेगा तो बाहर जाएगा, गलत रहेगा तो अंदर जाएगा। सीबीआई ईडी को नरेंद्र मोदी का पालतू तोता तक बता रहे हैं सर ये लोग। ये वही लोग हैं जिनको संविधान पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था में इनकी आस्था नहीं है हा? ये संविधान का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थान का ये मजाक उड़ाते हैं और ऐसे ही लोग देश को कमजोर करते हैं। क्या लगता है आप तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, संवैधानिक पद पर हैं वो? निश्चित तौर पर, यही परंपरा रही है जी। उनके पिताजी भी इस परंपरा को निभाए थे जी जी, इनको भी निभाना चाहिए जी। तो इस्तीफा देना चाहिए, हर हाल में इस्तीफा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संविधान के अनुसार चलेगा जी, तो अब सरकार संविधान के अनुसार चलाइए, अभियुक्त को रख करके सरकार कैसे चलेगी बीजेपी को तो बताना पड़ेगा। बीजेपी बड़ी मांग कर रही है सर तेजस्वी यादव से इसको लेकर। निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए तेजस्वी यादव को। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना साफ तौर से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के उस बयान को आपने सुना है जिसमें साफ तौर से तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग उन्होंने कर दी है। वहीं उन्होंने ये तक कहा है कि ललन सिंह ही उनको जेल भिजवाकर
पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को वो हाईजैक करना चाहते हैं। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी ही सबूत इकट्ठा कर सीबीआई को दे रही है। एक बड़ा आरोप जेडीयू के नेताओं पर विजय कुमार सिन्हा ने लगा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने ललन सिंह पर कड़ा हमला बोला है तो महागठबंधन के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया क्या होती है। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अभियुक्तों को सत्ता में बिठा कर रखेंगे, ऐसा होना बीजेपी नहीं देगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।